क्लास आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मल्टीमीडिया सो ये मल्टीमीडिया चैप्टर में हम लोग सेशन टू देखने वाले हैं मल्टीमीडिया नेसेसरी एलिमेंट्स हमने तो प्रीवियस सेशन में देखा था मल्टीमीडिया क्या क्या करते हैं मल्टीमीडिया के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं क्या क्या एलिमेंट्स थे टेक्स्ट ऑडियो इमेज वीडियो और एनिमेशन सो so, ये पांचों थे जो मीडिया को क्रिएट करता है जब हम लोग ये पांचों को यूज करते हैं दैट बिकम्स मल्टी मीडिया एक यूज कर सकते हैं या दो यूज कर सकते हैं या पांच भी यूज कर सकते हैं सो दिस बिकम्स अ मल्टी सो हमें आज पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए ये मल्टी को क्रिएट करने के लिए सो टू प्रेसेंट इधर टू शो और टू प्रेसेंट क्या क्या हम लोगों को चाहिए मल्टीमीडिया को प्रेजेंट करने के लिए सो दैट्स वाई वे सी वॉट आर द necessary elements for either presenting a multimedia or creating one. So हमें तो पता है create कैसे कर सकते हैं Text को तो create कर सकते हैं You just need to type. और क्या कर सकते हैं For video क्या कर सकते हैं You can record videos, है ना So animation को क्या कर सकते हैं You can create animations, है ना ऑल दीज नीड समथिंग टू बी क्रिएटेड हमें तो जो कुछ करना करने का चीज है उसको सब कुछ हमें तो कोई ना कोई चीज तो नेसेसिटी है सो so आज हम ये मल्टीमीडिया के क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट्स है उसे देखने वाले और right? so चलो सेशन के अंदर देखते हैं वॉट आर द एलिमेंट नेसेसरी फॉर मल्टीमीडिया फर्स्ट थिंग हाई प्रोसेसिंग पावर क्या है पहला वाला हाई प्रोसेसिंग पावर सेकेंड वन स्टोरेज क्या चाहिए स्टोरेज चाहिए थर्ड वन ऑपरेटिंग सिस्टम सो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए एंड द फोर्थ वन इज साउंड एंड डिस्प्ले कार्ड ओके और फिफ्थ वन होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सो ये सारे चीज तो हमें चाहिए मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए और राइट सो किसके लिए चाहिए क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए So, आज देखेंगे ये हर एक चीजों का क्या क्या अर्थ है और वट वट इज द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग डेम क्यों चाहिए हाई प्रोसेसिंग पावर क्यों चाहिए स्टोरेज क्यों चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट सो तो चलो फर्स्ट हाई प्रोसेसिंग पावर ये प्रोसेसिंग क्या होता है हम लोगों ने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे या लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे प्रोसेसिंग का मतलब याद है आपको हम लोगों ने थ्री बॉक्सेस बनाया था फर्स्ट बॉक्स में लिखा था इनपुट दूसरा बॉक्स में लिखा था प्रोसेस एंड तीसरा बॉक्स में लिखा था आउटपुट याद है आपको यस यस सो दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है इनपुट लेता है उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको आउटपुट देता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रोसेसिंग हियर ये जो प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं इट इज सिमिलर टू दैट हम लोगों को प्रोसेसिंग चाहिए हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए सो विच इज प्रोसेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे विच इज द प्रोसेसिंग पावर कौन सी चीज के साथ हम डिसाइड करेंगे प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है या कम है याद है आपको हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था यस yes, जो मेमोरी में क्या करते हैं वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एक था रैम दूसरा था रोम आर एम रैम आर ओ एम रोम याद है आपको सो so, ये रैम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी वेरी गुड ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है याद नहीं आया आपको ओके सो लेट्स लीग ओके रैम का मतलब क्या है रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी सो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करेगा इफ यू आर गोइंग टू प्रोसेस समथिंग आज तो सोचो कि आप लोग एक विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो सो वेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉट लैप एन अभी तो आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए ना सिस्टम के अंदर सो so वो स्पेस में जाके बैठ के ही वो प्रोसेसिंग करेगा सो दैट स्पेस इज गिवन बाई द रैम सो अभी हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो ये रैम का स्पेस बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम लोग हर बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एट द सेम टाइम सोचो कि रैम इतना ही है ओके okay? हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन आधा चला गया स्पेस और दूसरा तो हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर खोल रहे हैं उसमें भी चला गया स्पेस अभी तीसरा वाला खोल सकते हैं क्या खोल सकते हैं मगर बहुत देर लगेगा खुलने के लिए वाई बिकॉज देर इज नो स्पेस इनसाइड रैम समझ में आया आपको अगर सोचो कि हमारा रैम इतना बड़ा है सो वॉट विल सो कितने सारे एप्लीकेशन ओपन करना है तो भी कर सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग विल द सेम स्पीड ओके सो ये मल्टीमीडिया काम करने के लिए हमें बहुत बड़ा रैम चाहिए बहुत ह्यूज प्रोसेसिंग पावर चाहिए क्योंकि मल्टीमीडिया में वीडियोस हैं इमेजेस हैं टेक्स्ट हैं ऑडियो हैं सब कुछ एक साथ काम करने के लिए वी नीड अ वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर समझ में आया आपको यस ऑर्डर सो दूसरा होगा हाई प्रोसेसिंग पावर में क्या हो सकता है हम लोगों को पेंटियम फोर का प्रोसेसर चाहिए या उसके ज्यादा और एटलीस्ट वन गिगा हर्ट्स ये गिगा हर्ट्स क्या होता है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ओके गीगा हर्ट क्या होता है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर सो क्या चाहिए हमें फोर या उसके ज्यादा का प्रोसेसर छे और एटलीस्ट वन गिगा हर्ट का प्रोसेसर छोरेज कैपेसिटी right? और क्या करते Where to store them? हम लोग तो अभी तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं पेनड्राइव में स्टोर करते हैं है ना क्योंकि पेनड्राइव का स्पेसिस बहुत ही ह्यूज होता है वो देखने में बहुत छोटा रहते हैं मगर स्पेस जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और राइट सो so, ये रैम रो, और रोम क्या होते हैं आई कैन स्टोर ऑल माई एप्लीकेशन हियर और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम पे स्टोर होगा वेरी गुड रॉम के अंदर रीड ओनली मेमोरी इसके अंदर क्या स्टोर होता है मेरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और मेरा वेरी गुड और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहां पे स्टोर होता है ऑलराइट ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे जगह पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किए हैं यस, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ट्रांसलेटर। वेरी गुड क्या ट्रांसलेट करता है जो हम लोग बात करते हैं जो हम लोग इनपुट देते हैं जो हम लोग कमांड्स देते हैं उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बेचता है सो so, कंप्यूटर उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एन इंटरफेस दैट कनेक्ट्स द पर्सन टू द सिस्टम वेरी गुड सो किसके लिए चाहिए मल्टीमीडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट थिंग नीड्स टू बी क्विक फॉर प्रोसेसिंग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए चाहिए अभी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वीडियो बफर के बिना ऐसे ही चलना है हमें है ना सो so, इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सेकेंड ऑप्शन Easy accessing and retrieving of files. अगर इतने सारे फाइल स्टोर किए गए हैं हम लोगों के पास ऑपरेटिंग तो कर भी सकते है। जैसे हम लोग Windows Explorer में करते हैं है ना सो यू कैन सर्च आउट सर्च फॉर द फाइल्स कैसे कि हम लोग ईसी एक्सेस कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं रिट्रीव का मतलब ले सकते हैं वापस समझ में आया आपको यस yes?

आप सुने हो ना ग्राफिक कार्ड जो गेम्स के लिए हम यूज करते हैं जो थ्री डी गेम्स हो सकते हैं बहुत हाई प्रोसेसिंग गेम्स के लिए हम ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे क्योंकि उसका एनिमेशन और लुक और फील हमें तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब वी हैव ए ह्यूज स्पेस फॉर प्रोसेसिंग ओके सो अभी तो जैसे कि आप लैपटॉप्स खरीदते हो सभी लैपटॉप्स में आपको साउंड और डिस्प्ले कार्ड मिल जाता है सो यू कैन गेट योर डिस्प्ले कार्ड डिस्प्ले कार्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल uh, है डिस्प्ले का मतलब क्या है यस yes, डिस्प्ले का मतलब है जो हम देखते हैं स्क्रीन से जो कुछ हमें दिखाता है फॉर दैट यू नीड अ डिस्प्ले कार और साउंड कार किसके लिए है यस टू लिसन टू द ऑडियोस परफेक्टली अभी आपको पता है कि कंप्यूटर से डायरेक्टली हम ऑडियोस अभी सुन सकते हैं मगर देर आर ऑप्शन इन ऑडियोज जैसे कि फाइव डी डॉल साउंड सराउंड होता है है ना 5.1, 4.1, 7.1 तक है डॉल बी सराउंड है ना सो ऑल दैट गिव्स यू अ डिफरेंट इफेक्ट अब जब गेम्स खेलते हो जब एडफोन्स के साथ गेम्स खेलते हो तो क्या होता है यू कैन एक्सपीरियंस इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड्स, ओके उसके लिए हम लोग ये साउंड कार्ड और डिस्प्ले कार्ड को यूज करते हैं और राइट और अभी देखते हैं द लास्ट वन विच इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सो so, हमें पता है ये सभी क्रिएट करने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए है या नहीं यस yes, yes सबको क्रिएट करने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए सो क्या क्या डिवाइसेस है कीबोर्ड माइक्रोफोन स्पीकर्स और स्क्रीन ओके कीबोर्ड किसके लिए चाहिए होगा वाई डू वी नीड अ keyboard? यस टू टाइप टेक्स्ट जो कुछ टेक्स्ट का मीडिया आप टाइप करना चाहते हो उसके लिए सब कुछ आपको की बोर्ड चाहिए होगा ओके एंड द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन ये माइक्रोफोन क्या होता है यस टू रिकॉर्ड आर वॉयसू रिकॉर्ड दिस टेक्स साउंड एस एन इनपुट माइक्रोफोन क्या करता है साउंड को इनपुट लेता है स्पीकर क्या करता है Yes, it gives out the sound. Speakers output device होते हैं It gives out the sound. और screens क्या होते हैं Screens में क्या दिखता है Very good display. जो text है video है audio है सबके लिए हमें screen का display चाहिए So screen में ही हम लोग ये सब कुछ देख सकते हैं है ना So speakers के साथ सुन सकते हैं उटपुट डिज इनपुट डिज यूज करके आते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा था वेरी गुड नेसेसरी एलिमेंट्स पढ़े थे कैसे कि मल्टीमीडिया uh, को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए वो सब कुछ हमने पढ़ा था और राइट सो विफ यू हैव एनी डाउट आपको आप एप आप में जाके एनी डाउट सेशन पे क्लिक करके आपका डाउट बता दीजिए मैं आके क्लियर कर दूंगी आपको और राइट सो मीट यून द नेक्स्ट सेशन देन बाय बाय